वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ पासी चैम चैलेंज। आज हम इस वीडियो में जिंकोविट सिरप के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़ किन किन बीमारियों में होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सभी को पता है कि गाइस जिंकोविट सिरप है जो वो ताकत वगैरह के लिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिनको देख के जो है डॉक्टर लोग इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी समय हो गया है इस वीडियो पर काम करते हुए और मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। वीडियो के लास्ट में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव नहीं है तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को आराम से और ध्यान से देखना। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपको दूसरी वीडियोस में बिल्कुल नहीं मिलेगी। और गाइस मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी है। गाइस वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन मुझे भी पता है कि मैं आपका कम से कम समय लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरे हाथ में है जिंकोविट सिरप 200 ml की। और गाइस सबसे पहले हम इसकी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये एपेक्स कंपनी इसे बनाती है। और गाइस इसकी कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। फ़िलहाल तो इसके इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन गाइस ये कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में 1978 से है और इसने काफ़ी सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स निकाले हैं। ये पहली कंपनी थी जिसने जिंक को हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर डाला एज ए सिरप के अंदर, और ये तब से काफ़ी फेमस हुई है जिंक के कारण, इसलिए सिरप का नाम भी जिंकोविट है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसके प्राइस रेट की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो प्राइस रेट है वो आपको 118 का मिलता है। 200 ml की ये फाइल मिलती है आपको। 200 ml की गाइस ये सिरप है और 118 इसका प्राइस रेट है। प्राइस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है और सब्स्टिट्यूट भी इसके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और सबसे सस्ता सब्स्टिट्यूट आपको प्लस इंडिया का जिनविट मिलता है 200 ml का, ओनली 69 rupees का मिलता है गाइस आपको। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो मैन्युफैक्चर डेट है नवंबर 2018 दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगी। वीडियो को आप देखते रहें, वीडियो के साथ बने रहें, तो मैं आपको बताऊंगा भी कि एक्सपायरी डेट आपको कैसे दिखेगी, कैसे मिलेगी। तो गाइस ये देखिए जो ये हमारी सिरप है इसमें आपको 9 vitamin मिलते हैं, 1 amino acid और मिनरल्स मिलते हैं 4 तरह के। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 ml का जो कंटेन है इसमें आपको एनर्जी मिलती है, 10 kcal, कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है 2.7 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट एड शुगर मिल जाती है 2.5 ग्राम। तो गाइस ये इसमें आपको फैट और प्रोटीन नहीं मिलता। दूसरी वीडियो आप देखेंगे उसमें उन्होंने बताया है कि इसमें फ़ैट है, प्रोटीन है, मसल डेवलप करता है, बॉडी बनानी है तो ये वो आगे बात करेंगे इसकी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आप इसकी डोज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसी ने भी नहीं बताया है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो गाइस पहले आप ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ RDA दिया गया है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको डोज़ वगैरह कैलकुलेशन में बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो RDA का मतलब होता है रेकमेंडेड डाइट्री एलुएंस। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से देखना। यहाँ पर मैं एक का ही बता रहा हूँ, जो मैन है उसकी 60 इसका वेट है और यहाँ पर विटामिन B12 1 mg दिया गया है 24 आवर में। और जो जिंकोविट सिरप है अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो आपको जो विटामिन B12 है वो आपको 0.5 microgram मिलेगा। और यहाँ पर परसेंटेज भी दी हुई है 50%, मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारा RDA है उसके मुताबिक 50% ये है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो इन्होंने बिल्कुल ही दूर कर दी है। इन्होंने आपके हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ये जो है काफ़ी अच्छी बात है गाइस, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है डोज के कारण। और आगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको नीचे मिलेगा
परसेंटेज ऑफ आरडीए कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आईसीएमआर गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आईसीएमआर गाइडलाइंस का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा है ताकि आपकी हेल्थ को ये नुकसान ना करे। तो गाइज आईसीएमआर का मतलब क्या होता है? आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो गाइज़ इन्होंने इसकी भी गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा है और गाइज़ इसके अंदर कुछ प्रेजर्वेटिव्स तो इन्होंने डाले हैं, बेशक डाले हैं, और इसके ऊपर ही मैंने पूरी रिसर्च करी है। ये आपको कुछ ई कोड दिख रहे होंगे, 420, 422, 211, 219, इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। इन्होंने काफ़ी कम मात्रा में डाले हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली जो चीज़ें होती हैं गाइज उसका कंपैरिजन तो ये नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप वो डाइट नहीं ले रहे तो हाँ ये बेशक आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे जो इन्होंने ये बनाया है सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है गाइज, इन्होंने ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन मार्क मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, इसमें वनस्पति चीज़ों का यूज़ किया गया है। डेक्सटोरिन जो सिरप है उसके अंदर ब्लड और अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख लेना। अब बात करते हैं इस सिरप की, तो गाइज ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी लोग हैं वो इस सिरप को बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से ये वेजिटेरियन है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। तो गाइज इसकी जो ये सिरप है इसके साल्ट के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो पहले आप सिरप को देख लीजिए, ये सिरप आपको कैसी मिलेगी, तो चलिए खोलते हैं इसे। देखिए गाइज आपको 200 ml की ये शीशी मिलती है, ग्लास की बोतल है ये। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो मेरे को एक और लगती है इनकी, वो है इनकी बार कोड की स्कैनिंग। इसमें आप बार कोड से स्कैन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि असली है या नकली है। और अगर साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 12 month फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब एक साल तक ये जो मैन्युफैक्चर डेट है उससे चलती है, ये नवंबर 2019 में एक्सपायर हो जाएगी। और एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये FSSAI से अप्रूव्ड है, इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है। हेल्थ के साथ गाइज इन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इनकी। तो गाइज अब इसके साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 ml मतलब एक चम्मच में आपको जो इनकी वैल्यू है वो मिलती है। एक बार एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं, तो पहले करते हैं एनर्जी की बात। इसे आसान शब्दों में बोलूं तो ये कैलोरी होती है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है काम करने के लिए। यहाँ तक आपने जो मोबाइल पकड़ा हुआ है वो भी एनर्जी के कारण है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एनर्जी के कारण है। आगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे शरीर में फ्यूल का काम करते हैं, ये हमारे शरीर में फ्यूल की तरह ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी देते हैं, ये एथलीट्स के लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं। आगे विटामिन B3 की बात करते हैं, ये भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को ठीक करता है, ये ब्लड प्रेशर और नर्वस के फंक्शन को प्रमोट करता है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी को ठीक करता है, ये स्किन इरिटेशन को आराम देता है। आगे एलाइसिन ब्लड प्रेशर में काफ़ी यूज़फुल होता है, स्ट्रेस को कम करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में यूज़फुल होता है, ये ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, ये प्रोटीन को बनाने में यूज़फुल है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। जिंक ये मुहासों को ठीक करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करता है, कैंसर और प्रोस्टेट की बीमारियों से बचाता है, शुगर की बीमारियों से बचाता है, वेट लॉस में यूज़फुल होता है। आगे विटामिन के की बात करें तो ये शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, हमारे शरीर में ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे शरीर में नए सेल और बोन को बनाने में यूज़फुल होते हैं। आगे विटामिन B5 की बात करें तो गाइज ये बालों को
हेल्दी रखते हैं, बालों को सफ़ेद होने से बचाते हैं, तनाव को कम करते हैं, HB को बनाने में यूज़फुल होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। आगे विटामिन B1 की बात करें तो ये दिमाग की विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये याददाश्त को बढ़ाते हैं, भूख को भी बढ़ाते हैं। ये RBC जो रेड ब्लड सेल हैं उनके बनने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इनकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये जो कैटारेक्ट मोतियाबिंद होता है उससे भी बचाता है। आगे विटामिन B2 की बात करें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ये रेड ब्लड सेल को बनने को प्रमोट करते हैं, ये फिटल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं, ये हेल्थी स्किन हेल्थी आइज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, ये एड्स के जो वायरस हैं उसकी प्रोग्रेस को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। आगे विटामिन B6 की बात करें तो ये सुबह की थकान को कम करता है, नींद ना आना और तनाव की परेशानी को दूर करता है, ये एक्जिमा डैंड्रफ एक्नी हेयर लॉस और ड्राई स्किन को ट्रीट करने में काफ़ी यूज़फुल है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, ये महिलाओं में जो प्रीमैच्योर सिंड्रोम है उसको ट्रीट करता है, ये इमोशनल डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस से रिलीफ देता है। विटामिन ए ये आँखों के देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आँखों की शक्ति को बढ़ाता है, इसके अलावा ये अन्य अंगों को सामान्य बनाए रखने में काफ़ी यूज़फुल है, जैसे स्किन बाल नाखून दांत मसूड़े और हड्डी, इसकी कमी से अंधेरे में कम दिखाई देता है, बच्चों का विकास कम होता है और उनका कद भी कम हो जाता है। आगे आयोडीन की बात करते हैं, ये कैंसर से बचाता है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है हानिकारक केमिकल से, ये थायराइड फंक्शन T3 और T4 के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट है, ये ब्लड शुगर के लेवल को बनाए रखता है, ये वेट लॉस में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आगे कॉपर ये गठिया से बचाता है, ये नॉर्मल हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये रेड ब्लड सेल के बनने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये ई कोली नाम के जो बैक्टीरिया है उसको मारता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आगे सिलेनियम ये एक प्रकार का एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में राहत पहुंचाता है, ये इम्यूनिटी और फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आगे विटामिन D3 की बात करें तो कैल्शियम बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ये धूप से भी मिलता है, इसके अभाव में बच्चों में रिकेट्स की बीमारी और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया जैसी बीमारियाँ हो जाती है, ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। आगे विटामिन B12 की बात करें तो ये एनीमिया मेगालोब्लास्टिक को ठीक करता है, ये मुंह के छालों को भी ठीक करता है, ये दिल की बीमारियों से बचाता है, ये एनर्जी को बूस्ट करता है, ये हेल्थी नेल हेल्थी स्किन और हेयर के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाता है और रेड ब्लड सेल के बनने में भी काफ़ी यूज़फुल है, ये कैंसर से भी बचाता है। और गाइस स्पेशली इसका यूज़ तब करते हैं जब पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, वैसे इसका यूज़ खून की कमी में, वीक इम्यूनिटी में, मुहासों को ठीक करने में, भूख ना लगने में, बालों के झड़ने में, विटामिन डी जिंक विटामिन B12 और थायमिन की डेफिशिएंसी में, डायरिया में, हाई ब्लड प्रेशर में, अल्जाइमर डिजीज़ जो भूलने की बीमारी है उसमें, गठिया में, आर्थराइटिस में और आई डिसऑर्डर में, माइग्रेन में, सिर के दर्द में, मेंटल प्रॉब्लम्स में, कन्वर्जन में और हाइपरथायरॉइडिज्म में, फंगल इन्फेक्शन में, माउथ अल्सर मतलब मुंह के छालों में, वाउंड हीलिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। ये हर प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। ये जो दिल के मरीज, TB के मरीज और गठिया के मरीज होते हैं उनमें भी यूज़ होती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। और जो पेशेंट क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ से ग्रसित होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। तो गाइस काफ़ी अच्छी सिरप है ये, तो चलिए अब इसके कुछ डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली आपको यह पता तो लग ही गया होगा कि RDA का मतलब क्या है। तो गाइस वैसे जो नॉर्मली जो मेरे पेशेंट हैं, मैं एडल्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ, उनको मैं एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को बोलता हूँ लेने के लिए।
तो आप ले सकते हैं इसे सुबह शाम, और बच्चों में इसको नहीं देना होता। इस सिरप को आप खाना खाने के बाद लें, कम से कम आधा घंटे बाद, और अगर आप दिन में एक बार ले रहे हैं तो सुबह के टाइम लें, ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे इस सिरप को लेने के बाद, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है गाइस एज ए सप्लीमेंट इसका, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए गाइस, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो मैंने मेरे पेशेंट्स में देखा है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को। तो ड्राउजीनेस, नींद का आना, एलर्जिक रिएक्शन होता है, और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है यूरिन में भी और ब्लड में भी, और डायरिया, स्टमक अपसेट हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जी मिचलाना मतलब नोज़िया, उल्टी आना, भूख ना लगना, स्किन रैशेस, पेट में दर्द, और ड्राई माउथ हो जाता है, मसल्स पेन भी होते हैं वगैरह, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं गाइस। जो जिंकोविट सिरप है वो बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं उनको नहीं देना होता, और इसके अंदर विटामिन ए है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी के टाइम और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी नहीं देते हैं। इस सिरप को लेने के बाद ड्राउजीनेस आती है, मतलब नींद आती है, और इसको वो लोग बिल्कुल ना ले जो ड्राइविंग करते हों या हैवी मैकेनिकल काम करते हों। इस सिरप को लेने से पहले इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी को चेक कर लें आप, जैसे मैंने आपको बताया था एक साल बाद होती है मैन्युफैक्चर के, और इसको शराब के साथ नहीं सेवन करना होता। इसको आप बच्चों और जो पालतू जानवर हैं उनसे दूर रखें, क्योंकि ये उनके लिए सेफ़ नहीं है लेनी। ओके गाइस, तो ये कुछ बातें थी जो आप बिल्कुल इसको लेने से पहले ध्यान में रखें, और लेने से पहले बोतल को शेक भी अच्छे से कर लें, 4-5 बार बोतल को शेक करें आप। तो गाइस आगे बात करते हैं कि जो ये आप मेडिसिन देख रहे होंगे इनके साथ भी आपको इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस वो ये है कि जो ये जिंकोविट सिरप है ये फोलिक एसिड, बायोटिन और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं लेनी होती। इससे इसका साइड इफ़ेक्ट आने का खतरा बढ़ जाता है, इंटरेक्शन होता है इसका। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो जिंकोविट के ऊपर। तो चलिए, आज मैंने आपको ये दिखाई भी नहीं है खोल के, तो पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये जो सिरप है आपको कैसी दिखेगी, इसका रंग कैसा है। तो गाइस देखिए, ये आपको लाइट येलो कलर की मिलती है जिंकोविट सिरप। और गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जिंकोविट सिरप का जो बेनिफिट है वो कैसा लगा, आप कितने टाइम से ले रहे हैं, आपको किस बीमारी के लिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, और उसका रिज़ल्ट आपको कितने टाइम बाद आया, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कहाँ से मिली, आपको किसी ने सुजेस्ट किया, ये सब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।